तो गाइस गाइस आज हम बहुत कमाल का एक कोलाज फ्रेम बनाने वाले हैं गाइस, जो कि हम चार पांच नहीं लगभग 10-12 फ्रेमों को एक साथ जोड़ने के बाद एक कोलाज तरीके का फ्रेम बनाने वाले हैं गाइस। तो हम फटाफट से आपको दिखाते हैं कि हम किस तरीके से कोलाज फ्रेम बनाएंगे। तो गाइस आज इस वीडियो में आपको मैं शुरू से लेकर एंड तक की सारी टोटल व्यू दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से हम काम करते हैं और क्या करते हैं गाइस। गाइस तो स्टार्टिंग करता हूँ अपनी मशीन से कि हम कैसे तरीके से मशीन अपनी चालू करते हैं। ओके गाइस, तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस ये हमारी मशीन का बोर्ड है और ये हमारी मशीन है। तो गाइस यहाँ से तार आ रहा है, जो कि आपको एक केबल दिख रहा होगा गाइस। तो यहाँ से हम सारी लाइट ऑन कर देते हैं, हमने बटन दबा दिया है और इसको हमने उठा दिया है। तो अब जो हमारी मशीन में जो है गाइस करंट आ चुका है, मैं एक बार आपको चला कर दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो ये एक बटन है इस मशीन में, ये जैसे कि ये इसको ऊपर करेंगे ना गाइस, कुछ मशीन चालू हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस। इसी तरीके से इससे फंटी काटता हूँ, फंटी काट के दिखाता हूँ आपको फंटी हम कैसे काटते हैं गाइस। कुछ देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये फंटी सेट कर दी गाइस। देख सकते हो आपको एक के ऊपर एक मैंने ये लगा दी है मोल्डिंग गाइस। अब मैं सीधे ही इस मशीन को चलाऊँगा और इसके ऊपर कर दूंगा और ये सारी मोल्डिंग कट जाएंगी। तो गाइस मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस तरीके से ये काटने वाला हूँ। तो गाइस आप कुछ देख सकते हो इस तरीके से मैंने यहाँ से पकड़ लिए, अब मैं मशीन को चलाता हूँ गाइस। तो गाइस आप ये देख सकते हो ये फंटी कट चुकी है, ये अलग और ये अलग। और गाइस जिस तरीके से मैंने काटी है, मैंने यहाँ पर काफ़ी फंटी इस तरीके से काट रखी है, जैसे कि आप भी देख सकते हो। गाइस इसका फ्रेम जो जुड़ने के बाद कैसा बनेगा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ गाइस। कुछ इस तरीके का इसका फ्रेम बनने वाला है, ये आप देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके का बनेगा, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हो मैंने ये अभी जोड़ा है। और गाइस ये कीलें हैं जिस तरीके से हम जोड़ते हैं, जो साइड में लगती हैं, यहाँ पर लगती है ना गाइस, वो वाली ये कीलें हैं जो इस साइड में लग जाती हैं ये कीलें, और हम इस थोड़ी की मदद से अपनी लगा देते हैं गाइस। तो फटाफट से हम ऐसे काफ़ी सारे आपको फ्रेम बना कर उसको जोड़ के फिर दिखाते हैं आपको किस तरीके का ये फ्रेम बन आएगा गाइस। तो गाइस मैंने कुछ इस तरीके के फ्रेम काट लिए हैं और मेरे पास और भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस और भी है, मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ कि हम किस तरीके का इसको जोड़ने वाले हैं। तो गाइस आप देखो कुछ इस तरीके से जोड़ना है, जैसे कि आप देख सकते हो। और गाइस अब ये एक पीस जो है हम कुछ इस तरीके से यहाँ लगाने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये एक पीस और बचा गाइस, ये सातवां पीस है, सातवां जो है हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं कुछ इस तरीके से गाइस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा ये बना है गाइस। ये देख सकते हो आप कुछ इस तरीके का ये फ्रेम बन के आया है गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। देख सकते हो गाइस किस तरीके से ये रखे गए हैं, ऊपर नीचे, जैसा कि आप देख रहे हो गाइस। गाइस बाकी और इसमें फ़ोटो लगाने हैं, फ़ोटो लगा कर मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके का ये फ्रेम बनकर आया है गाइस। अभी फ़िलहाल जो है फिलहाल का फ्रेम ये खाली है, जैसे कि आप दिख रहे हो गाइस। अब ये सेट नहीं है, अब ये खुल जाएगा। तो गाइस हम इसको फटाफट से कस लेते हैं पीछे से, फिर आपको मैं दिखाता हूँ गाइस। हम कसने के लिए इस टाइप के पेचों का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप पेच देख रहे हो मेरे पास गाइस, ये वाले पेच हैं। इन पेचों को मैं इसमें कस दूंगा इनके पीछे, किस तरीके से कसता हूँ ये भी मैं आपको भी इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ गाइस। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए गाइस। तो गाइस आप ये देख सकते हो मैंने ये दो फ्रेम ले लिए गाइस। दो फ्रेमों को एक मैं सबसे नीचे रखता हूँ और एक उसके ऊपर रखता हूँ गाइस, कुछ इस तरीके से। और गाइस अब मैं जो है इसमें ये वाले पेज जो है यहाँ से कस दूंगा, दो पेज गाइस, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। तो गाइस फटाफट से आपको कस देख के दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ कसूँगा वीडियो में तो गाइस वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मुझे वीडियो बड़ी नहीं करनी है, मुझे छोटी से छोटी वीडियो बनानी है ताकि आपको समझ में आए। सिर्फ सिंपल सा काम है गाइस, अब सिर्फ आपको ये पेज कसने हैं। इसके पीछे मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे पेज कसे जाएंगे और पेज में कस के आपको दिखाता रहूँगा। तो मैं वीडियो का भी कट कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको पेज कसने हैं, जैसे कि मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ गाइस। ये देख सकते हो गाइस जैसे कि मैंने कस रखे हैं, मैं कस देता हूँ इस पेज को। गाइस ये आप देख सकते हो मैंने पेज कस दिया है, ये देख सकते हो गाइस। गाइस ये अब जो है इससे मजबूती तरीके से चिपक गया है गाइस, ये आप देख रहे हो किस तरीके से मैंने कस दिया है गाइस। गाइस अब अगला जो आपको लगाना है वो अगला गाइस एक फंटी को छोड़ के दूसरी पे लगाना, मतलब इसको छोड़ के इस पे लगाना है। मैं फटाफट से लगा देता हूँ।
तो गाइस ये एक और कस चुका है, ये देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके का ये बन के आ चुका है गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा होगा गाइस। अब एक जो है इस साइड के फंटी में लगाना चाहिए, वैसे मैंने बताया था आपको एक फंटी छोड़ के इधर लगाना है। तो गाइस ये कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है, जो एक विंग आती है गाइस जो उंगली डाल कर घुमाते हैं ना, कुछ इस तरीके का इसका आकार इस टाइम बन चुका है गाइस। तो फटाफट से मैं इसको भी कस लेता हूँ। तो गाइस ये कस के जो है कंप्लीट हो गया है इतना हिस्सा, जैसे कि आप ये देख सकते हो गाइस, आपको मैं दिखा देता हूँ गाइस, ये देख सकते हो अभी एक ट्रेंगल जैसा बन चुका है, जैसा कि आपको दिख रहा ही होगा गाइस। तो गाइस अब फटाफट से मैं इसके अंदर ये तीन और लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी फटाफट से लगाता हूँ गाइस। वीडियो में एंड तक बने रहिए, इससे आपको पता चल जाएगा किस तरीके का फ्रेम ये लग रहा है, किस तरीके का ये आपको बन के दिखाई देगा गाइस। बिल्कुल कंप्लीट करके मैं अभी आपको ये दिखाने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप ऐसे कसोगे तो बहुत आसान कसोगे। तो गाइस मैंने देखो इसकी दो फंटी में पेच कस लिए हैं, दो एक फंटी छोड़ के फिर इसमें दो कस लिए हैं गाइस। अब इसको मैं सीधे ही जो है इसके ऊपर इस तरीके से कस दूंगा और ये थोड़ा फ्रेम बन के तैयार हो जाएगा। मैं इसको फटाफट से कस देता हूँ। तो गाइस मैंने जो है चारों पेच कस दिए हैं गाइस इसके, बड़ी मेहनत लग रही है गाइस इसके पेच कसने में, क्योंकि मेरे पास कोई पेच कसने की मशीन नहीं है, सारे पेच हाथ से कसने पड़ते हैं। तो गाइस मैंने ये पेच कस दिए हैं। तो गाइस अब ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये मॉडल अभी बन चुका है गाइस। अभी फिलहाल ये पूरा नहीं हुआ है अभी, और इसकी मैं फटाफट सब कस देता हूँ गाइस, आपको फटाफट से सारी कस हुई दिखाता हूँ किस तरीके से कस दी। तो गाइस ये इतना बन के कम्प्लीट हो चुका है जितना कि आप देख सकते हो, ये देखिए आप गाइस ये कुछ इस तरीके से बन कम्प्लीट हो चुका है। और गाइस मैं आपको इसका बोर्ड दिखा दूँ, तो गाइस मैंने ये कुछ निशान लगा रखे हैं बोर्ड पर, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे गाइस ये निशान लगा रखे हैं मेरे ऊपर। अब ये बोर्ड की कटिंग करके सीधे ही मैं इसमें शीशा डाल के और इसमें फिट कर दूंगा गाइस। हमारे पास ये है शीशा, तो गाइस अब मैं इसके साइज़ का ये शीशा काट के आपको दिखाता हूँ किस तरीके से शीशा मैं काटता हूँ। तो गाइस पहले जो है मैंने शीशा इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रख लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो गाइस मैं इसको यहाँ से काटने वाला हूँ। और गाइस ये है शीशा काटने का कटर, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हो, कुछ इस तरीके से पेन जैसा ही है गाइस। पहले मैं इसको लगा लेता हूँ ताकि सीधा कटे। तो गाइस अब मैं इधर से जो है इसको इसके ऊपर हल्के से चला देता हूँ, गाइस मैंने चला दिया है। तो गाइस यहाँ पर आपको शायद निशान नहीं दिख रहा हो, पर यहाँ एक निशान लगा हुआ है गाइस। मैं इसको देखो कुछ इस तरीके से कट जाएगा गाइस, बहुत आसान है शीशा काटना भी गाइस। तो फटाफट से मैं सबके शीशा काट देता हूँ गाइस। मैं एक शीशा आपको दिखाता हूँ गाइस, एक शीशा ये है जो मैंने इसके आकार का काट चुका है, जो बिल्कुल ही आसानी से फ्रेम में आ जाएगा। इस देखो फ्रेम में आ चुका है गाइस। इसी तरीके से मैं सारे शीशा काट लेता हूँ, मैंने आपको दिखाया किस तरीके से शीशा काटना है। तो गाइस इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम इस पर चलाते हैं ना गाइस, कुछ इस तरीके से आप इस पर रखोगे और एक आराम से कट जाएगा। हमने शीशा सेट कर दिया है गाइस, अब गाइस हमने शीशा कर दिया, हम फटाफट से इसमें गाइस फोटो सेट करते हैं गाइस। तो इसमें फ़ोटो लगाते हैं, फ्रेम में जो फोटो लग जाना गाइस वो फोटो से 5-7 का है। जैसे गाइस आप ये फोटो देख सकते हो, ये फोटो का साइज़ जो है 5-7 है गाइस। तो इसका मैं जो इसके साइज़ की कटिंग करने के क्या करना पड़ेगा गाइस, तो पहले हमने ये फोटो ले लिया है गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ गाइस। ये फोटो ले लिया और गाइस ये है इसका शीशा जो हमने इसके साइज़ का काटा था। तो गाइस हम सिंपली जो है इस फोटो के ऊपर ये शीशा कुछ इस तरीके से रख देंगे, जैसे कि मैंने रख दिया है गाइस ये शीशा। शीशा रखने के बाद गाइस कोई स्केच ले लेना और शीशे के और पास आप इस तरीके से निशान लगा देना गाइस, बाकी आप खुद समझ ही गए होंगे क्या क्या करना होगा। तो इस पर इतना निशान लगाने के बाद जो है ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इस पर निशान लग जाएगा। और गाइस बस इसको आपको कैंची की मदद से कुछ इस तरीके से काट देना है। बस गाइस आपको सिर्फ 5-7 का ही फोटो निकलवाना है, 5-7 का फोटो बहुत आराम से इस फ्रेम के अंदर आ जाएगा। ये देख सकते हो गाइस ये मैंने काट दिया और ये वो फ्रेम है गाइस। तो गाइस इसमें ये फोटो आप बहुत आसानी से लगा सकते हो गाइस, बस सिंपली। अब इसके ऊपर बोर्ड शीशा हम लगा के आपको जरूर अभी दिखाने वाले हैं गाइस, बस ये फोटो हम कटिंग कर लें सारे, फिर उसके बाद आपको लगा के दिखाते हैं गाइस। तो गाइस हमारे पास ये फोटो है कुछ, जैसे कि मैंने अभी आपको कटिंग करके दिखाई थी किस तरीके से आप इनकी कटिंग कर सकते हो। तो गाइस हम सबसे पहला फोटो जो सबसे साइड में फोटो लगाने वाले हैं, इस साइड में फोटो हमने एक ये लगा दिया है, और गाइस हम इस साइड में ये वाला फोटो लगा दिया है। इसमें दो फोटो लगा दी हैं और गाइस अब भी जो है ये वाला फोटो गाइस हम सबसे नीचे लगा रहे हैं, सबसे नीचे नहीं गाइस हमने ये साइड में लगा दिया है ये वाला फोटो। ओके और गाइस फोटोज गाइस ये वाला फोटो हमने सबसे ऊपर लगा दिया है, और ये वाला फोटो गाइस हम जो है इस साइड में लगा रहे हैं, नहीं गाइस हम सबसे नीचे लगा रहे हैं, और ये वाला फोटो गाइस हम एक साइड में लगा रहे हैं। और ये टाइटैनिक वाला गाइस ये तो आपने देखा ही होगा, या मेरी
वीडियो में जो देखा होगा आपने, ये वाला भी एक फ़ोटो फ्रेम मैंने करा था पहले, तो गाइस हमने ये जो है बीच में लगा दिया है। तो गाइस इस फोटो को हमने सेट कर दिया, अब इसके ऊपर हम बोर्ड सेट करेंगे गाइस। तो गाइस अब फटाफट से हमने बोर्ड लगाते हैं गाइस। तो गाइस ये बोर्ड है हमारे पास, पहला बोर्ड हम इस पर डाल के देखते हैं। तो गाइस गाइस पूरा फ्रेम ये ठुक चुका है। अब मैं इसको पलट के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का ये ठुका है, मतलब किस तरह का ये लग रहा है। तो गाइस इसको पलटने की देरी आ चुकी है, थैंक गॉड गाइस। आप ये देख सकते हो गाइस, मैं सोच रहा था गाइस कि कोई फ़ोटो उल्टा नहीं लग गया हो, लेकिन सभी फ़ोटो ओके हैं गाइस। ये आप देखो गाइस, बहुत ही कमाल का ये फ्रेम बन चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ अपने बाकी दोस्तों में शेयर कर देना गाइस, और लाइक भी कर ही देना गाइस। इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे। जय हिंद जय भारत गाइस।